वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि यहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो एक इंडिकेटर के बेस पर है। आपने इंडिकेटर बहुत लगा लिए और आप सालों से इंडिकेटर यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आपको एक सही नॉलेज नहीं है कि इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, कि इंडिकेटर्स के जरिए भी प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर हर काम करता है, ये ऐसा नहीं कि इंडिकेटर काम नहीं करता, इंडिकेटर काम करता है डेफिनेटली, लेकिन आपको इंडिकेटर यूज कैसे करना है डिटेल में वो आप लोगों को नहीं पता है। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है लेकिन इंडिकेटर का सही यूज करना अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, तब भी आप एक इंडिकेटर के जरिए प्रॉफिट आप डेफिनेटली डेली का बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर को सही तरीके से यूज करना, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर है भाई लगा लिए, ये ऐसे करता है ये ऐसे करता है, और आप उस पर दो चार ट्रेड ले लिए, एक तुक्काबाजी हो गई, ट्रेड आपने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना एक इंडिकेटर के बस का तो ऐसा है नहीं है, लेकिन इंडिकेटर को मॉडिफाई करके थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लेना, इंडिकेटर को थोड़ा मॉडिफाई करो कि ये कैसे काम करता है, उसके जरिए आप प्रॉफिट डेफिनेटली बनाएंगे। जैसे कि मैंने मॉडिफाई करके मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें कि आपका लॉस ना हो, ओनली प्रॉफिट ही हो, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम चलते हैं मेन टॉपिक पर जो वीडियो पर है। तो सबसे पहले अगर न्यू हो वीडियो पर तो लाइक कमेंट शेयर तो देखो बनता ही बनता है, लाइक करे बिना नहीं जाना, कमेंट करे बिना मत जाना, वीडियो को पूरी देखना तभी आप समझ पाओगे कि कैसे आपको कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे मेन टॉपिक पे। तो देखो आपको एक इंडिकेटर यूज करना है, मैं सिंपल वाली बात बोलूंगा, एक इंडिकेटर यूज करना है। आप कोई से भी चार्ट ओपन कर सकते हैं और किसी में भी आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो देखो सिंपल, अगर आप फोन करते यूज करते हो तो थोड़ा ऐसा साइकन देख लेना। अब देखो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, लेकिन आपको एक इंडिकेटर लगाना है, सबसे ऊपरी ऊपर से तीसरे नंबर पे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा जिसका नाम है इम्पलॉप्स, ठीक है। इम्पलॉप्स आप एक इंडिकेटर ये लगा लेंगे, इसकी सेटिंग वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आपको रखना है, जैसा है वैसा ही आपको इसको यूज करना है। अगर आपको इसका यूज करना आता है, आपको यूज करना कैसे आता है इसका बताइए, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन एक इसका सही यूज अगर आपको करना आगे, ये मार्केट का पूरा तरीका, जो मार्केट पूरी चल रही है, जिस रेंज में मार्केट चल रही है उसका पूरा तरीके को ये मार्केट का चेंजेस करता है इंडिकेटर, जो आपको बताएगा कि कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। अभी तक आप लोगों को क्या पता है, जहां ब्रेकआउट कर दे कैंडल, जहां इस जो इंडिकेटर है इन तीनों लाइनों को जहां भी ब्रेकआउट कर दे उस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपको ट्रेड ले लेनी है। लेकिन यहाँ पर कितनी ट्रेड ले लोगे आप, कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड चली जाएंगी, कुछ एमटीजी आ जाएंगे, कुछ लॉस भी होती जाएंगी, लेकिन इस लॉस से ही बचना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो तुम बना लोगे इसको यूज करके। आप सोचो कि देखो ये ब्रेकआउट ऊपर कर गया तो आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले लोगे, ये नीचे ब्रेकआउट कर गया तो आप डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ले तो लेंगे प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कैपिटल भी लॉस हो जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बात सच है। तो देखो आपको इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज करना बहुत सिंपल है, और इसकी 95% आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन तरीके से करोगे तब, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा। अब देखो जैसे कि अब देखो इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया नीचे, यस या नो, ब्रेकआउट किया है, ये 1 मिनट में काम करेगा, सबसे पहले ध्यान रखना 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट ओपन करके रखना है और टाइम भी आपको डिफॉल्ट सेट करना है, जैसे आपको एक एंट्री बेस्ड आपको मिल जाएगी, डिफॉल्ट टाइम रखोगे तो 40 सेकेंड 35 सेकेंड, ठीक है, कभी भी आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक बात बोलूं कि जब भी मार्केट सेम नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया रेड कैंडल ने, तो ये कौन सा बना, रेड कैंडल बना। तो आपको करना क्या है कि जब भी मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करे तो आपको एक कैंडल का वेट करना है, क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है। मैं जैसे कि मैं बताऊं, देखो यहाँ छोड़ो, मैं एक और किसी चार्ट पे चलता हूँ, एओडी सीएचएफ पे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात समझ लेना, अगर ध्यान से समझ लोगे तो प्रॉफिट बनाओगे। बेशक आपको 5 या 8 10 मिनट में आपको ट्रेड मिले, 2 3 ट्रेड आपको शॉर्ट शॉर्ट मिले, लेकिन आराम से ट्रेड लोगे जिससे लॉस से बचोगे, शॉर्ट शॉर्ट आ जाएगी या एमटीसी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन लॉस से बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लॉस एक ऐसा है कि जहां लॉस हो जाता है तो वहां पर आपकी साइकोलॉजी पूरी ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कैपिटल भी जीरो आप लोग कर लेते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो देखो यहाँ यही निकल के आ जाती है। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल सी वाली बात, ठीक है। देखो इस रेड कैंडल, देखो यहां देखना, मेरे बातों पे ध्यान दो और मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दो, ठीक है।
अब जैसे कि यहां पर देखोगे ये एक रेड कैंडल ने ब्रेकआउट नीचे की तरफ किया है, ठीक है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ किया है, तो आपको एक कैंडल का वेट करना है, एक कैंडल का वेट करना है। अगर रेड कैंडल ने ब्रेकआउट नीचे की तरफ किया है, तो अगर एक कैंडल का वेट करते हैं, अगर वो रेड कैंडल ही बन जाता है तो आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट मिस हो चुकी है, सोच लेना, ठीक है, साइड में हो जाना, कोई नहीं, अब नेक्स्ट ट्रेड आप देखना। लेकिन जब भी एक रेड कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, उसके बाद में एक कैंडल का वेट करना। अगर वेट करा है आपने, अगर वो कैंडल ग्रीन बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो उसके बाद में आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी है। मैं इतना श्योर हूं कि आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। लेकिन आपको भी यहाँ पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसी के बेस पर ट्रेडिंग नहीं लेनी है, कुछ चीजें अपना भी माइंड आपको यूज करना है। जो मेरे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स बताए उनको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देखो बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारी चीजों को मार्केट लेके चलती है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी बीच में मैंने एक चीज की, मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करती है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी है। अब देखो एक बात बोलूंगा मैं आपसे, अब देखो ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ किया लाइन से ऊपर, वीक इसकी वीक ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वीक का भी रोल है, वीक भी ब्रेकआउट कर देगी, वीक से भी काम चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद में डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल ही बन गया, तो आपकी ट्रेड मिस होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लॉस से बचोगे। आप कहीं भी देखोगे, लाइव देख लो, कहीं भी देख लो, अब यहीं देख, अब लाइव ही चल रहा है आपके सामने, देख लो चार्ट ही चल रहा है आपके सामने। अब आप देखो कि रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, तीनों लाइनों को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में एक कैंडल का वेट कर दिया यहाँ पर, तो बन गई देख लो ग्रीन कैंडल। उसके बाद में आप यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी मेरे भाई, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करनी है, जिससे आप प्रॉफिट आप बना पाए कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद में रेड कैंडल, ये रेड कैंडल यहीं पर बन गया है, ये रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, नीचे की तरफ क्लोज हो गया, लेकिन इसकी जो वीक है ना, ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है, तीनों लाइन तक टचिंग हो रही है। तो टच होने के बाद में आप एक कैंडल का वेट करो, वेट किया ग्रीन कैंडल बन गया, तो आपके पास में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेने की, लेकिन आपकी लॉस हो जाएगी, लेकिन एमटीसी आपकी ऑलवेज विन रहेगी भाई। काम कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बस प्रॉफिट निकालना कैसे है। लेकिन आप लोग गलत यूज कर करके बस लॉस कर लेते हो। यही मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। CAD CHF चार्ट भी देख लो, देखो काफी सारी ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलेंगी। देखो ये पुट देखो यहाँ ब्रेक किया, तो आपकी ट्रेड यहाँ पर निकल चुकी है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट हो चुकी है। तो आपको बस ये है कि थोड़ा सा एक कैंडल का वेट करके चलोगे तो ट्रेड आपको अच्छी मिलेगी, जिससे लॉस नहीं होगा, ठीक है, जिससे आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस से बचोगे तो बेटर रहेगा। और एंड देखो किन किन चीजों से आपको बचना है, किन किन चीजों से बचना है, आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तीनों लाइन को ब्रेक करने के बाद में एक रेड कैंडल बना, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपकी कॉल डायरेक्शन ट्रेड होती तो गैप अप, गैप अप ओपनिंग हुआ कैंडल का, तो इसलिए भी शॉर्ट शॉर्ट है, लेकिन एक छोटा सा डोजी रेड में क्लोज कर दे। लेकिन अगर हल्की सी भी नीचे यहाँ पर एंट्री होती तब भी विन है आपकी, ठीक है, यहाँ भी होती तब भी विन हो जाती है आपकी। तो हमेशा एक कैंडल का वेट करके चलना है, जिससे आप प्रॉफिट कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है मार्केट के अंदर में, कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसी लाइन पर ही मार्केट चल रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे 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 नीचे, रेड ग्रीन घुमा रहा है, तो आपको वहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, आपको उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और इन डोजी कैंडलों को अवॉइड करना, कि डोजी कैंडल ही ब्रेक कर रहा है इसको, तो उसको अवॉइड करना है, जितना अवॉइड कर सके आप, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहीं देख लो, अब आप समझोगे नहीं मेरे भाई, देखो समझना चाहिए मेरी बातें, मैं बोलता क्या हूँ, ठीक है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से तीनों लाइन को यहाँ तक टच कर दिया, ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल आ गया, चलो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अब ये रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, उसके बाद में एक कैंडल का आपने वेट किया, तो ये ग्रीन बन गया, तो अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है पुट डायरेक्शन में, तो इसने नीचे की तरफ आ गया ट्रेड, तो आपने यहाँ पर ट्रेड ली, तो आपकी ऑलवेज शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है।
तो बस इन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप प्रॉफिट कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। एंड आपको कुछ और मैं लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, मुझे लाइव ट्रेड मिलेगी तो मैं लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको। मैं ये नहीं है कि ट्रेड नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको मैं, बस मुझे ट्रेड मिल जाए मैं बिल्कुल ले लूंगा। देखते हैं किसी भी चार्ट के अंदर में लाइव ट्रेड मिलेगी तो मैं अभी लूंगा आप लोगों के सामने। बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया $25-25 की, काफी सारी मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिए, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड हमने लगा दिए यहाँ पर। तो अब देखते हैं हमारी MTG शॉर्ट शॉर्ट होती है या लॉस होती है, वो आप लोगों के सामने ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि वो देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल। तो बस इस तरीके से प्रॉफिट करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सिंपल सारी चीजें काम कर रही हैं। शॉर्ट शॉर्ट या MTG, 95% आपको शॉर्ट शॉर्ट और 5% आपको MTG वेल। तो आपको इस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचना है, ठीक है, चीजों से। वी पैटर्न भी बनता है मार्केट के अंदर में, जितने भी मैंने पैटर्न बताए उन पैटर्नों की नॉलेज लो, और सब पैटर्नों को देख के चार पांच पैटर्न भी अगर आपने सीख लिए, चार पांच पैटर्न सीखने के बाद में चार पांच पैटर्न आप मार्केट के अंदर देखो चार्ट को कि कौन सा पैटर्न क्या बना है। जब भी दो पैटर्न बताए ये ग्रीन बनेगा ये रेड बनेगा, चुपचाप ट्रेड ले लो, आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। यही तो बस नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज के बेस पे प्रॉफिट बनाते हैं, तुक्काबाजी ना करके प्रॉफिट बनाओ। चलते हैं, चलता हूँ फिर मैं, ठीक है गाइस, लव यू। लाइव ट्रेड लेके दिखा दी मैंने, सब कुछ दिखा दिया आपको। बाय बाय, मिलते हैं। एंड लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही, कमेंट